वेलकम टू माय चैनल लापरी श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने बच्चों को आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा अच्छे से टॉट कर दिया है। अब हम री की मात्रा को सिर्फ यहाँ पर रीडिंग कराएंगे, क्योंकि अभी बच्चे ये छोटे हैं, ये री की मात्रा अभी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम सिर्फ इसकी रीडिंग कराएंगे, जैसे कि मृग, ऋषि, वृक्ष, ग्रह, निप, कृषक, कृपाण। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के सिर्फ रीडिंग कराएंगे और हम स्टार्ट करेंगे ए की मात्रा। तो ए की मात्रा में आपको आप बच्चों को सिखाना है क्या, एड़ी, एक, एक तारा। तो जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले बच्चों को क से लेकर ज्ञ तक हम बच्चों को ए की मात्रा लगाने के लिए देंगे। क से लेकर ज्ञ तक बच्चों को ए की मात्रा लगाने के लिए देंगे, तो क्या हो जाएगा, क, क पे ए की मात्रा, के, खे, गे, घे, चे, छे, जे, झे। इसी तरह से क से लेकर ज्ञ तक बच्चे राइट करेंगे। और यस्टरडे की बुक में से जो ये चित्र के नाम लिखने के लिए जो छूट गया था, वो हम बच्चों को देंगे नाम राइट करने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बच्चों को चित्र देखकर नाम लिखने के लिए यहां पर देंगे। तो चित्र देखकर नाम लिखने के लिए आप मूली का, तरबूज, ऊन, कबूतर, भालू की पिक्चर भी दिखा करके, फूल की पिक्चर, जूता की पिक्चर, आलू की पिक्चर दिखा करके, इन पिक्चर्स को दिखा करके बच्चों को आज कॉपी में राइट करने के लिए आपको यहाँ पर देना है। तो क से लेकर ज्ञ तक बच्चों को ए की मात्रा लगवा करके बच्चों को रीडिंग करानी है आज। और देन आफ्टर बच्चे को चित्र देखकर नाम लिखने के लिए, जो कि आपको मैंने बोला था स्क्रीन शॉट लेने के लिए, तो आप इसकी स्क्रीन शॉट लेकर के बच्चों को कॉपी में दे देंगे। और बच्चे से खुद रिकॉग्नाइज करके, यहाँ पे मूली है तो मूली राइट करेंगे, तरबूज है तो तरबूज राइट करेंगे, ऊन है तो ऊन राइट करेंगे, कबूतर है तो कबूतर राइट करेंगे। द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज सो इंग्लिश की बुक में हम कराने वाले वही सेंटेंसेस जो हमने यस्टरडे कराए थे। तो टू सेंटेंसेस हमने कंप्लीट कराए थे और बच्चों को कॉपी में राइट कराया था। उसके बाद ये थ्री सेंटेंसेस मैंने अपनी डॉटर से खुद डू कराया था, जो कि उसने बहुत ही आसानी से किया था, जो कि बहुत ही आसानी से उन्होंने बता दिया था। तो मुझे बहुत हैप्पीनेस हुई कि हाँ, वो इसको पिक्चर्स को देख करके अंडरस्टूड हो जा रही है और अपने आप ये सेंटेंसेस उसने खुद कंप्लीट किए थे। सो नाउ यू कैन सी हियर, आप भी इसको अपने बच्चों को दिखा करके आप देखिए आपके बच्चे में कितना माइंड है, वो कितने तेजी से इसको कैच कर लेता है और अपने आप इसे डू कर देता है। तो वेरी गुड। सो आज का आपका पहला होगा, दैट इज ए किड, द किड इज व्हाइट, दैट इज ए व्हाइट किड। ये जो पिक्चर है इसको देख करके बच्चे को इसको बनाना है। द किड इज इन ए पिट, पिट कहां है, जो बकरी का बच्चा है वो कहां है, वो गड्ढे में है। तो द व्हाइट किड इज इन ए पिट, तो इस तरह से इसका आंसर होगा। देन आफ्टर दीज आर फ्रॉक्स, दीज आर नॉट, क्या हो जाएगा, दीज आर नॉट, सो दीज आर फ्रॉक्स, दीज आर नॉट टॉयज, दीज आर ब्राउन, दीज द फ्रॉक्स आर ब्राउन, द फ्रॉक्स आर ऑन ए रॉक, द ब्राउन फ्रॉक्स आर ऑन ए रॉक। इसी तरह से दोज आर गर्ल्स, द गर्ल्स आर इन ए बस, द बस इज ब्लू, दोज गर्ल्स आर इन ए ब्लू बस, द ब्लू बस इज नियर ए बुश। सो इन दिस टाइप ये सेंटेंसेस आज हम बच्चों को कॉपी में कराएंगे, इंग्लिश की कॉपी में। सो आई होप आप अंडरस्टूड हो गए होंगे। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही चीजें आज बच्चों को आज कॉपी में कंप्लीट करानी है, सेंटेंसेस को और रीड कराना है। देन आफ्टर हम बच्चों को राइमिंग वर्ड्स देंगे, जो कि हमने बच्चों को सिखाया था राइमिंग वर्ड्स। तो फोर फोर राइमिंग वर्ड्स अपने आप बच्चों को राइट करने के लिए देना है। तो रेस का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा, सी का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा, नाइट का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा, पोज का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा और डक का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा। ये वर्ड्स बच्चे को अपने आप फोर फोर वर्ड्स यहाँ पर राइट करने हैं। तो राइमिंग वर्ड्स आप बच्चों को जरूर कराते रहेगा, क्योंकि मिलते जुलते हुए शब्द बच्चों को आएंगे, क्योंकि अब बच्चे क्लास यूकेजी में आ गए हैं। तो राइमिंग वर्ड्स जरूर कराएगा, जो कि मैंने आपको बताया था बुक में राइमिंग वर्ड्स दिखाए भी थे। नाउ मैं एक बार और आपके साथ शो कर देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप रेस का, आप स्पीक स्लोली बेटा, ओके जस्ट वेट। सो यहाँ पर रेस का क्या राइमिंग वर्ड्स हो जाएगा, फेस, ब्रेस, ग्रेस एंड ट्रेस। इसी तरह से सारे वर्ड्स बच्चे को अपने आप यूकेजी की बुक से आप राइमिंग वर्ड्स देख करके बच्चों को सी, नाइट, पोज और डक का फोर फोर राइमिंग वर्ड्स राइट कराएंगे। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज
द नेक्स्ट टुडे हम कराने वाले हैं बच्चों को। यस्टरडे हमने बच्चों को एनिमल अराउंड अस कराया था, जो कि हमने बच्चों को कॉपी में लर्न करा के राइट कराया था, जो कि हमने बताया था कि बेटा हमारे चारों तरफ जो भी एनिमल्स दिखाई देते हैं वो एनिमल्स आपको कॉपी में राइट करना है। फिर हमने बच्चों को क्राइज कराए थे कि काउ कैसा साउंड देता है, मूज, डॉग कैसा साउंड देता है, बार्क, हॉर्स कैसा साउंड देता है, ने, डंकी कैसा साउंड देता है, ब्रेस, शीप कैसा साउंड देता है, ब्लीट्स, गोट कैसा साउंड देता है, ब्लीट्स, कैट कैसा साउंड देता है, म्याऊ। तो हमने बच्चों को इसको मैच इट करने के लिए भी कॉपी में कराया था। बट टुडे हम कराने वाले हैं वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जंगली जानवर, जो कि कहां दिखाई देते हैं, ये सब कहां रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। तो जो भी एनिमल्स ये रहते हैं वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ये जंगली जानवर होते हैं जो कि हमें फॉरेस्ट में ही ये एनिमल्स दिखाई देते हैं। एंड राइट नंबर्स नेम, मैथ के सब्जेक्ट में बच्चों को लर्न एंड राइट नंबर्स नेम देना है, जो कि अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास UKG की, जो कि मेरी डॉटर की बुक है मैथ की, जो कि एक्टिविटी बुक है। तो यहाँ पर पूरा जो ये बुक दिया गया है एक्टिविटी से दिया गया है। तो आज मैं कराने वाली हूँ उसको बुक में एक्टिविटीज। सो यहाँ पर काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप द मैच विद देयर करेक्ट नंबर एंड नंबर्स नेम। सो यहाँ पर बच्चे को ऑब्जेक्ट्स एंड करेक्ट नंबर के साथ उसे मैच करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आप पर यहाँ 6 है, पहले आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। स्क्रीन शॉट लेने के बाद आप इसको ऑब्जेक्ट्स, नंबर और नंबर्स नेम, ये तीनों चीज आपको राइट करनी है और उसके बाद बच्चे को मैच इट करने के लिए देना है। जैसे यहाँ पर 6 है तो बच्चे को 6 नंबर के साथ मैच कर देना है और उसके बाद बच्चे को काउंट करना है कि इसमें 6 कौन सा है। तो 6 6 6 6, तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, ये 6 नहीं है, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना लैम्प है, 6 है, तो बच्चे को यहाँ लैम्प पे मैच कर देना है। तो इस तरह से बच्चे को आज काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर्स नेम के साथ मैच करना है। एक्टिविटी नंबर 6 है, मैच ईच नंबर विद इट्स नेम, ऑल्सो कलर द बैलून्स विद द सेम कलर वन हैज डन फॉर यू। सो यहां पर दिया हुआ है नंबर, न्यूमेरल्स और नंबर, उसके साथ बच्चे को जो ये धागे से बच्चे को मैच कर देना। जैसे यहां पर 11 है तो इसको कलर किया गया है और 11 के नंबर के साथ क्या कर दिया गया है, इसको मैच कर दिया गया है। इसी तरह से 19 है तो बच्चे को इसमें से 19 फाइंड आउट करना होगा और 19 और 19 के नंबर्स को कलर करना होगा, उसके बाद देन इसको मैच करना होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने बच्चों को ये एक्टिविटीज कॉपी में करा सकते हैं। देन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।